नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अनिका महेश्वरी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और शीत लहर का प्रकोप लगातार जारी है। इसी कड़ी में आइए आपको बताते हैं खबर विस्तार से। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। शीतलहर से दिल्ली एनसीआर ठिठुर रहा है। आईएमडी के मुताबिक 21 दिसंबर को सुबह 8:30 बजे दिल्ली के सफदरजंग इलाके में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि कल के मुकाबले बेहतर है। इस कड़ाके की ठंड से बचने के लिए दिल्ली के लोग सड़कों पर अलाव जलाकर हाथ तापते हुए नजर आए। पहाड़ तो पहाड़, मैदानों में भी पारा माइनस में पहुंच चुका है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों पर पड़ रहा है, जिससे तापमान गिर रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक मध्य और पूर्वी भारत में शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी और उसके बाद राहत मिलने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि बुधवार तक उत्तर पश्चिमी भारत में शीतलहर से लेकर गंभीर शीतलहर की स्थिति जारी रहने और इसके बाद इसके कम होने की संभावना है। मौसम कार्यालय ने कहा है कि गुरुवार दोपहर तक छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में भी शीतलहर का पूर्वानुमान है। बुलेटिन में कहा गया है कि एक के बाद एक दो पश्चिम विक्षोभों के प्रभाव के चलते पहला 22 दिसंबर से और दूसरा 24 दिसंबर से पश्चिम हिमालयी क्षेत्र में 22 से 25 दिसंबर तक हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना है। पंजाब में भी 24 दिसंबर को हल्की बारिश की संभावना है। कहा गया है कि 23 दिसंबर से 25 दिसंबर तक पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में, 24 तथा 25 दिसंबर को पश्चिमी राजस्थान में सुबह के वक्त घने कोहरे का अनुमान है।